हर हर महादेव। कुछ विद्वानों के प्रश्न हैं, पंडितों के प्रश्न हैं कि जो लोग 9 दिन तक भगवती का व्रत नहीं कर सकते हैं तो वे नवरात्र में कैसे व्रत करें? ऐसा कोई विधान है कि कुछ दिन का ही व्रत करने पर भी और भगवती का प्रेम प्राप्त कर सकें? इस दृष्टि में देखिएगा, शास्त्रों में व्रतों के कई विकल्प दिए गए हैं। जैसे धर्मसिंधुकार कहते हैं कि अथ नवरात्रेनुकल्पाः, अब नवरात्र के जो है विकल्प बतला रहे हैं। तृतीयाद नवम्यंतम सप्तरात्रम वा कर्तव्यम, 9 दिन तक नहीं कर सकते हैं तो पहला तो है मुख्य 9 दिन तक व्रत कर, और नहीं है तो फिर 7 रात सप्तरात्रम तृतीयाद नवम्यंतम, तृतीया से लेकर के 9वीं तक, ये जो है एक पक्ष है। और फिर और अपर पक्ष कह रहे हैं कि पंचम्याद पंचरात्रम वा, पंचमी से लेकर के 5 रात्र तक, पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी तक व्रत करे, और ये भी नहीं कर सके तो सप्तम्याद त्रिरात्रम वा, सप्तमी से लेकर के सप्तमी अष्टमी और नवमी ये त्रिरात्रम व्रत करे, 3 रात्र का। अथवा अष्टम्याद द्विरात्रम वा, अथवा अष्टमी और नवमी का व्रत करे। ये सब जगह रात्रि शब्द तिथि परक है। अथवा ये भी 3 दिन व्रत भी नहीं कर सके तो एकाह पक्षे केवला अष्टम्याम केवल नवम्याम वा, बोले एक रात्रम भी व्रत होता है तो उसमें केवल अष्टमी का या केवल नवमी का व्रत किया जाना चाहिए। ये है एषाम पक्षाणाम स्वस्व कुलाचारानुसारेण प्रतिबंधादिना पूर्व पक्षा संभवानुसारेण वा व्यवस्था। कह रहे हैं कि इसमें या तो जिसके कुल में जैसी व्यवस्था हो वैसा करें, जिसकी परंपरा में जो चलता आ रहा है। इस बात का खास रूप से ध्यान रखना चाहिए कि मुख्य रूप से कई निबंधकार इस धर्मशास्त्र का ये जो है अनुसरण करते हुए, और कई आचार्यों का ये वक्तव्य है, आदेश है हम लोगों के लिए कि ये जो नवरात्र हैं, इस नवरात्र में जिसके कुल में जैसी परंपरा चली आ रही है उसी तरीके से वो नवरात्र करें, ना तो ज्यादा करें और ना कम करें, ज्यादा भी नहीं करें, ऐसा भी है न ज्यादा करें और न कम करें, जैसा जिसकी परंपरा का जो निर्वाह है उसी रूप में करे। परंपरा पर शास्त्री होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब कह रहे हैं कि ये जो नवरात्र में कई विकल्प बतला रहे हैं कि सप्तरात्र का, पंचरात्र का, त्रिरात्र का, द्विरात्र का, अथवा अहोरात्र का, 1 दिन का, तो ये या तो अपनी जिसकी परंपरा में जैसा चल रहा है वैसा करे, अथवा वो अपनी शक्ति सामर्थ्य न होने पर इन विकल्प अनुकल्पों का अनुसरण करे। सप्तम्यादिस्तु निर्णय वक्ष्यन्ते, सप्तमी इत्यादि का निर्णय आगे बतला रहे हैं कि नवरात्रादि पक्षेषु क्षय वृद्धि वसेन दिनाधिक्य न्यूनत्वे पूजया वृत्ति कार्या। अब नवरात्र में कोई दिन घट गया बढ़ गया तो उसकी पूजा की आवृत्ति कर दे। कुछ आचार्यों का मत है कि भाई घट गया है तो हम 8 ही पूजन रखेंगे और बढ़ गया है तो 9 रखेंगे, परंतु मुख्य पक्ष यही है कि जिस दिन कोई तिथि घट जाती है और जिस दिन जैसे कि चतुर्थी पंचमी 1 हो गई, तृतीया चतुर्थी 1 हो गई, तो जिस दिन जो तिथि 1 हुई है उसी दिन दुगना पूजन करना चाहिए। इदम देवी पूजनात्मकम नवरात्र कर्म नित्यम करणे दोष श्रवणात् और फल श्रवणात् काम्यंच। कहते हैं ये नवरात्र नित्य है या काम्य है?
नित्य होता है वो अवश्य करणीय होता है, और काम में वो कर्म होता है कि कामना हो तो करो, नहीं है तो मत करो, नहीं भी कर सकते हैं। परंतु कहते हैं कि अगर जो नवरात्र आदि व्रत नहीं करते हैं तो उनके लिए अपराध लिखा है शास्त्रों में, तो अपराध लिखा है न करने पर दोष श्रवणात् दोष कह रहे हैं, इसलिए ये कार्य नित्य है, कोई भी कार्य नहीं करेंगे तो दोष होगा, ऐसी जहां व्याख्या होती है वो कर्म नित्य होता है, इसलिए नवरात्र व्रत नित्य है। और कहीं फल भी लिख रहे हैं ऐसा करने से ऐसा फल होगा, ऐसा फल होगा, इसलिए काम्यंचा, इसलिए ये नवरात्र नित्य भी है और काम्य भी है, इसलिए इसको नित्य रूप से भी व्रत करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए पूजन और व्रत। कुछ व्रत के और भी भेद हैं, जैसे अभी भेद बतला है उसी रूप से कुछ और भी भेद हैं जो समाज में भी प्रचलित हैं। देखिएगा इसमें तो आगे से तिथियों को घटा रहे थे अभी धर्म सिंधु का, परंतु अष्टमी नवमी को जरूर ले रहे थे हर पक्ष में। अब कुछ और भी विकल्प हैं, देखें कि एक सप्तरात्रम जैसे बताया तो सप्तरात्र का एक विकल्प है प्रतिपदा से सप्तमी तक का, यह भी विकल्प है एक विद्वान का। अथवा पंचमी को एक भुक्त किया जाए और षष्ठी को नक्त व्रत किया जाए, सप्तमी को अयाचित किया जाए, अष्टमी को उपवास किया जाए और नौमी को पारणा किया जाए, ये भी पंचरात्र व्रत एक और है, पंचरात्र व्रत की दूसरी व्याख्या है। और एक त्रिरात्र व्रत जैसे बतलाया तो कह रहे हैं सप्तमी अष्टमी नौमी को एक भुक्त करके, एक बार भोजन करके शाम को अवश्यान्न भोजन करके रह जाए तो ये त्रिरात्र हो जाते हैं। और अथवा एक द्विरात्र का जैसे बतलाया था युग्म रात्र या द्विरात्रम, तो भी द्विरात्र व्रत कैसा है, वहां तो अभी बतलाया था कि अष्टमी और नौमी, अब कह रहे हैं कि प्रतिपदा और समाप्ति वाली तिथि यानी नौमी, प्रतिपदा को व्रत कर ले और नौमी को व्रत कर ले। ऐसे कई माताएं बहनें और कई घरों में कई लोग ऐसा व्रत अभी भी हमने करते देखे हैं कि प्रतिपदा को रहते हैं और नौमी को रहते हैं। ये भी एक पक्ष है कि जो पूरे नवरात्र व्रत नहीं कर सकते तो इस रूप में कर सकते हैं। अथवा कह रहे हैं एक रात्रम, चाहे पहले प्रतिपदा रह लो और नौमी रह लो या अष्टमी रह लो, कोई भी इनमें से एक रह लेने पर वो एक रात्रम व्रत हो जाता है। ये इन आचार्य के मत में ये कुछ भेद है, ये मत भी ज्यादा प्रचलित है, ये देखे भी जा रहे हैं। अब व्रत में ये रहता है कि कोई तो व्रत निर्जल व्रत करते हैं, कई महात्मा लोग नवरात्र में मौन व्रत करते हैं, ये भी व्रत है। तो अगर निर्जल इतने दिन तक नहीं रह पाना है तो केवल जल पान करके भी व्रत रहा जा सकता है, उपवास रूप में, जिसको उपवास कहते हैं, एक बार जल पी लिया और पूरे दिन कुछ भी नहीं लेना। अथवा हविष्यान्न भक्षण रूप, सायंकाल को एक बार भोजन कर लेना, या मध्यान्ह में भोजन किया जाता है जो, तो उसको एक भुक्त कहते हैं, और सायंकाल सूर्यास्त के बाद जो भोजन करते हैं तो उसको नक्त व्रत कहते हैं। अथवा अयाचित व्रत होता है, जो मिल जाए सो ले लेना एक बार, और नहीं तो फिर कुछ भी नहीं लेना है, तो इस रूप में भी ये व्रत किए जा सकते हैं नवरात्र में। ये बात ध्यान रखना चाहिए, मैंने अभी पीछे भी बतलाया है कि नवरात्र में खास रूप से पूजन मुख्य है, पूजन अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार विधिवत और शास्त्रीय ढंग से होना चाहिए। हर हर महादेव।